Hello everyone, this video is very important for those who use Blender. I mean, ये video उन सभी के लिए बहुत useful है जो Blender use करते हैं. क्यों? क्योंकि इस video में बताऊंगी कि किस तरह से हम screen cast keys use करते हैं. I mean, जो भी मैं click करती हूँ यहाँ पे, वो यहाँ पे display होता है. Okay, जैसे हम करते हैं N press करते हैं for opening the properties and then scroll down करते हैं, यहाँ पे आता है screen cast keys. इसमें आता है start display एंड देन यू कैन सी जो भी मैं क्लिक करूंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगा. जैसे मैं इसको डिलीट करूंगी विद द हेल्प ऑफ डिलीट, देन कैन सी यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आया. जैसे मैं एंटर करूंगी देन यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न कर दिया एक तरीके से. एंटर को रिटर्न भी कहते हैं, राइट? या फिर मैं कुछ ऐड करती हूँ शिफ्ट ए के थ्रू, देन यू कैन सी शिफ्ट ए यहाँ पे प्रेस होता है. तो फिर किस तरह से हम स्क्रीन कास्ट यूज करते हैं अपने ब्लेंडर में, या फिर अगर हमारे पास स्क्रीन कास्ट है नहीं तो किस तरह से यहाँ पे शो करते हैं. बिकॉज काफ़ी लोगों के पास ब्लेंडर होता है बट यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन ही नहीं आता है. ओके, तो किस तरह से उसका यूज़ करते हैं मैं बताती हूँ. इसको पहले डिलीट कर देते हैं, इसका तो यूज़ है ही नहीं बिकॉज मैं इसमें ये तो बताऊँगी नहीं कि किस तरह से हम कुछ करते हैं. देन एन करते हैं, गो टू द एन, वेट, कुछ यहाँ पे होना ज़रूरी है. चलो ये रख लेते हैं, एन करते हैं. एंड देन यू कैन सी सबसे नीचे आता है स्क्रीन कास्ट, यहाँ पे आता है स्टार्ट डिस्प्ले. अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है स्टार्ट डिस्प्ले का, देन गो टू द फाइल, यहाँ पे आता है यूजर प्रिफरेंसेस, इस पर क्लिक करेंगे. हमें कुछ ऐड करना है, राइट? स्क्रीन कास्ट हमें ऐड करना है अपने इसमें, तो एड ऑन्स पे जाएंगे. देन यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन. जैसे हमने स्क्रीन लिखा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट है, राइट? स्क्रीन कास्ट कीज और 3D व्यू. तो हमें, मेरा इसमें टिक है, अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो वो दिखेगा नहीं वहाँ पे. मैंने इसको टिक कर रखा है क्योंकि मैं वहाँ पे शो करना चाहती हूँ. फाइन, तो हमने यहाँ पे करके इसको सेव यूज़र सेटिंग्स कर दिया एंड देन वहाँ पे वो ओपन हो जाएगा. फाइन. और एक और प्रॉब्लम आती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कि हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे स्क्रीन लिखते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन कास्ट ही नहीं आता, राइट? तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, नाउ गो टू दी गूगल बिकॉज हमें कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा सो दैट हम स्क्रीन कास्ट कीज अपने ब्लेंडर में इंस्टॉल कर सके, राइट? हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ. किस तरह से? गो टू गूगल एंड देन यहाँ पे हमें लिखना है ब्लेंडर स्क्रीन कास्ट कीज. फाइन, इस पर कर दिया एंड देन यहाँ पे ये आता है, इस पर क्लिक करेंगे blender.org. जो भी blender.org से रिलेटेड है उसको ही ओपन करना है. ये नहीं कि कुछ भी हो जाता है उसको ओपन कर लिया. ओके, blender.org से रिलेटेड है एंड देन यहाँ पे यू कैन सी स्क्रीन कास्ट की स्टेटस टूल. फाइन, ये कह सकते हैं ब्लेंडर वर्जन इसका है इस तरह से. एंड देन यहाँ पे है एग्जीक्यूटेबल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये होता है स्क्रीन कास्ट की स्पेस व्यू 3D स्क्रीन कास्ट की. एंड देन यहाँ पे ये है एक्सटेंशन .py से. ओके, तो हमें इसको डाउनलोड करना है, करंट वर्जन डाउनलोड इसके थ्रू डाउनलोड कर लेंगे. करंट वर्जन डाउनलोड, इस पर क्लिक किया एंड देन यू कैन सी ये हमारा एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है. इसको कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे राइट माउस की एंड देन कॉपी. फाइन, कॉपी कर लिया एंड देन हम कहीं पे भी अपना इसको सेव करवाना चाहते हैं. तो मैं इसको सेव करवाना चाहती हूँ यहाँ पे, ये ब्लेंडर की फाइल. तो न्यू एंड देन गो टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. फाइन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, डबल क्लिक एंड देन यहाँ पे ये सब कुछ जो हमने कॉपी किया है वो सब सिलेक्ट सेव कर देंगे. फाइन, और जो इसका नेम है टेक्स्ट फाइल का, इसका नेम होगा ये, यहाँ पे जो है इसका नेम ये होगा. ओके, .py से होगा ये सब. .py नहीं है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, राइट? .txt फॉर्म में. यानी इसको पूरा क्रॉस करके ये कर देते हैं. तो ये हमारा एक्सटेंशन, ध्यान रखना यहाँ पे .txt भी आता है तो .txt को डिलीट कर देंगे बिकॉज एक्सटेंशन इसकी py रहेगी. अब ये कह रहा है क्या ये आप कर सकते हो इसमें, क्या पता ये काम ना करे, तो हम कह रहे हैं नहीं कर पाएगा ये. क्यों? क्योंकि हमें py फॉर्म में चाहिए. तो इस तरह से हो गया. ओके, तो हमें पता है कि ब्लेंडर वाले फोल्डर में ही है मेरा ये जो फाइल है. ओके, गो टू द ब्लेंडर देन फाइल देन यूजर प्रिफ्रेंसेज एडॉन्स. ठीक है, एडॉन्स पे जाएंगे. यहाँ पे तो आएगा नहीं, शो नहीं करेगा. इस वक्त मेरा शो कर रहा है लेकिन शो नहीं करेगा. तो हम एडॉन्स पे जाके करेंगे इंस्टॉल एडॉन फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे जहाँ पे भी हमने सेव किया है, मैंने सेव किया है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे सेव किया है, इस वक्त दिख नहीं रहा है यहाँ पे. तो किस तरह से, मतलब एक तरह से हम कह रहे हैं सारी की सारी फाइल्स दिखानी है, तो किस तरह से करेंगे ये
ठीक है, अगर ये दिख नहीं रहा है ये वाला, मतलब फोल्डर्स दिख रहे हैं फाइल्स नहीं दिख रही, तो यहाँ पे आता है एक ऑप्शन अनेबल फिल्टरिंग ऑफ फाइल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी सारी की सारी फाइल्स दिख रही हैं पर अदरवाइज नहीं दिख रही है। एक तो हमें यहाँ पे इसको अनेबल कर देना है एंड देन यू कैन सी इस पर हमें क्लिक करना है, ओके डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा एंड देन यहाँ पे अगर हम स्क्रीन कास्ट को करेंगे देन यहाँ पे ये आएगा विदाउट चेक्ड, ओके तो इसको चेक कर देना है एंड देन यूज सेव यूजर सेटिंग्स पे कर देना है। एंड देन हम इसको जब ब्लेंडर ओपन करेंगे एंड करेंगे एंड देन यहाँ पे हम स्क्रीन कास्ट करेंगे तो यहाँ पे शो होगा एंड देन इसको इसको भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि वहाँ पे हमने कर दिया ओके इसको करा स्क्रीन कास्ट कीज एंड देन स्टार्ट डिस्प्लेइंग एंड देन जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो उसके थ्रू हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट करना मत भूलना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।